जिला चिकित्सालय बना ट्रीचिंग ग्राउंड, मेटर्निटी वार्ड का बायोलॉजिकल व जनरल वेस्ट सुलभ कॉम्प्लेक्स के पास बने गड्ढे में खपाया जा रहा है। खबर शिवपुर से आ रही है। जिले भर के लोग स्वस्थ होने की उम्मीद लेकर शिवपुर जिला चिकित्सालय में अपना इलाज कराने आते हैं, मगर जिला चिकित्सालय में पसरी गंदगी और बदबू से बेहाल होकर इलाज कराने आने वाले लोगों के स्वस्थ होने के स्थान पर गंभीर बीमार होने की आशंका बनी हुई है। जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो ना तो जिला चिकित्सालय में समय पर डॉक्टर ही मिलते हैं, ना ही ओपीडी में डॉक्टर उपलब्ध रहते हैं। इतना ही नहीं, अस्पताल में पसरी गंदगी से लोगों को दो चार होना पड़ता है। इतना ही नहीं, अस्पताल में भर्ती होकर इलाज करा रहे मरीज के परिजनों को शौच के लिए सुलभ व्यवस्थाओं का लाभ लेने में भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहां चिकित्सालय परिसर में स्थित सुलभ शौचालय के पास अस्पताल प्रबंधन द्वारा खोदे गए गड्ढे में मेटर्निटी वार्ड से निकले बायोलॉजिकल वेस्ट व जनरल वेस्ट को डाले जाने से अस्पताल में बदबू से लोगों का हाल बेहाल है। वहीं लोगों में संक्रमण फैलने की भी आशंका बनी हुई है। इतना ही नहीं, सुलभ शौचालय के सीवर लाइन फूट जाने से अस्पताल परिसर में भरे पानी से पूरा अस्पताल परिसर महक रहा है। अब देखना यह होगा कि लोगों को स्वास्थ्य लाभ देने वाले अस्पताल की बीमारी को कब तक ठीक किया जाता है। श्योपुर से संवाददाता गोविंद गर्ग की रिपोर्ट। होता क्या है, अपने पर दो तरह का वेस्ट जनरेट होता है हॉस्पिटल के अंदर। एक तो हमारा जनरल वेस्ट है और एक हमारा बायोलॉजिकल वेस्ट। बायोलॉजी पीली पन्नी के अंदर बंद होके टेविस सर्जिकों के माध्यम से वो फैक्ट्री में डिस्पोजल के लिए चला जाता है। वो आपको दिखेगा नहीं, उसमें मानव टिश्यू होते हैं। बच्चा आपका जनरल वेस्ट जो और आपके घर में हमारे घर में जनरेट हो रहा है, वैसे यहाँ भी जनरेट हो रहा है। इसमें खाना हो सकता है, जो खाया हुआ छोड़ा हुआ खाना है, पर टुकड़े हैं, कागज के टुकड़े हैं, कार्टून हैं छोटे मोटे, आपकी सिरिंज के ऊपर का प्लास्टिक है। इसके अलावा आप चद्दर के ऊपर जो भी छोड़ के चले जाते हैं मरीज, वो भी एक दो चीज़ें वो डाल सकते हैं ये लोग। कभी कभी जहाँ तक मैंने देखा कि थूक देते हैं लोग, वो भी उसमें। तो ये जनरल वेस्ट, इसको डस्टबिन समझ के, जबकि उसमें नहीं करना चाहिए। ये जनरल वेस्ट की जब भीड़ थोड़ी सी इकट्ठी होती है तो वो बाल्टी आपकी ओवरफ्लो होगी और भरती रहेगी। बेहतर ये है कि उस बाल्टी को भरने ना दो, उसको आप 8-8 घंटे से खाली कराओ। यानी बड़े डस्टबिन जो होंगे उसमें आप उसको स्पिल करते जाओ और उसको बंद कर दो। दूसरे दिन क्योंकि गाड़ी रात को 8-3 बार गाड़ी नहीं आएगी, जनरल वेस्ट लेने के लिए 3 बार नगरपालिका की गाड़ी नहीं आ सकती, सिर्फ एक ही बार आएगी। तो मॉर्निंग में वो गाड़ी आती है, हम उसको बड़े जो डस्टबिन है उसमें से उठा के हम उसको गाड़ी में डाल दें। लेकिन ये कब हो रहा है, जब अपना ये ज़्यादा 24 घंटे में वो डस्टबिन भर जाती है, और भर जाती है तो आप खाली करिए ना उसको।